हेलो बच्चों, मेरा नाम है नरेश कुमार और मैं आप लोग का स्वागत करता हूँ साइन कॉस क्लासेस पर। ठीक है, तो ये एट क्लास का क्वेश्चन है, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 252 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इसमें हम इस नंबर में हम कितना वो स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन जाए। ठीक है, तो हमको परफेक्ट स्क्वायर मीन्स क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब होता है सबका पेयर होना चाहिए। तो हम देखते हैं इस नंबर में किसका पेयर नहीं है, किसका पेयर नहीं, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टोराइज करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, फैक्टोराइज का करना पड़ेगा। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, इसका फैक्टोराइज करते हैं। 252 का कितना से लगेगा, 2 से, 1 2 6 राइट, फिर 2 से लगेगा, 6 3 यस। अब कितना से लगेगा, 3 से, 3 2 1 3 7 यस। ये इसका क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। तो क्या मैं इसी बात को लिख सकता हूं यहां पे, 250 यहां सॉल्यूशन लिख लेते हैं, 252 इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 3 × 7 राइट। अब चेक करो किसका पेयर नहीं है, 2 का यहाँ पेयर है सर, 3 का यहाँ पेयर है, लेकिन 7 का पेयर नहीं है। अगर इसमें हम क्या करेंगे, अगर हम इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, पेयर बन जाएगा। ठीक है, अगर ये पेयर, ये सब पेयर बन गया तो ये क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से हमको क्या समझ में आता है सर, कि इसमें हमको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस नंबर में 7 से। तो यहां हम लिख लेंगे, 2 मेक इट परफेक्ट स्क्वायर इट मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 यस। इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमको 7 से। तो ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा यहां से मैं बोल सकता हूं स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, जिससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो पहला आंसर आ गया सर कि स्मॉलेस्ट नंबर 7 है, जिससे हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। अब जो तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर है ना, उसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो पहले हमारा जो नया नंबर आया, न्यू नंबर हमारा क्या आ गया बोलो, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 तब तो ये क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया। यही ना परफेक्ट स्क्वायर है, इसी का क्या निकालना है, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या मैं लिख सकता हूं, यहाँ रूट अंडर 2 × 2 × 3 × 7 राइट। अब यहां से हम लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर यही तो है तुम्हारा परफेक्ट स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, इसमें से अगर ये पेयर में से एक वैल्यू बाहर निकालेंगे तो 2, इसमें से एक निकालेंगे तो 3, और इसमें से एक निकालेंगे तो 7। क्या हो जाएगा, 3 × 2 = 6 और 6 × 7 = 42। तुम्हारा इसका परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 42। तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।